हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मेरा किचन में बनेंगे नो फायर रेसिपी। इसमें ना कोई फायर का ज़रूरत नहीं है, कोई ओवन का भी ज़रूरत नहीं है। तो कितना अच्छा रेसिपी है ना, एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी हेल्दी आल्सो। आप इसको बना के बहुत ही अच्छा से इंजॉय कर सकते हैं, घर में सब लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करें। इसके लिए एक टमाटो लिया, ऑरेंज लिया और कीकम्बर लिया। खीरे का ना मैं थोड़ा सा एकदम छोटा साइज का लिया, जिसका अंदर सीड नहीं है उतना। अभी मैंने सीडलेस ग्रेप्स भी लिया। आप चाहे तो पोमेग्रेनेट भी ले सकते हैं, और ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल भी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज भी ले सकते हैं। जो वेजिटेबल फ्रूट्स आपको पसंद है इसका अंदर डाल सकते हैं। और अभी मैंने ऑरेंज का पल्प लेंगे, तो इसको छिलका निकाल रही हूँ। आप देखिए छिलका निकालने का मतलब, इसका छिलका तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। सब लोग इसको स्क्रैबर, स्किन स्क्रैबर हिसाब से यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ना मैं दिखाती हूँ, इसको छिलका ना ऐसे ही लोग धूप में सुखा के उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं ना घर में। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, इसको छिलका को ऐसा निकाल के छोटा छोटा टुकड़ा में काट के मिक्सी के अंदर डालने का बाद आप अच्छा से पाउडर बना लीजिए। अब देखिए मैंने बना के दिखा रही हूँ, रियली बहुत ही अच्छा स्क्रबर है। आपको सेंसिटिव स्किन है फिर भी ये यूज़ कर सकते हैं। जिसका ड्राई स्किन है उसमें थोड़ा सा दूध मलाई मिला के आप यूज़ कर सकते हैं, और जिसको नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है ना, उसके लिए सिर्फ पानी मिला के इसको यूज़ करो। इतना अच्छा है ना, सिर्फ मार्केट से जो लाते हो ना वो केमिकल्स होती है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है और स्किन एकदम ग्लोइंग करना शुरू कर देंगे। तो अभी चलिए हम लोग हमारा रेसिपी का तरफ से जाती हूँ। तो रेसिपी के लिए मैंने ऑरेंज का पल्प निकाल रही हूँ। आप देखिए इसको सीड निकाल के, पल्प निकाल के ऐसा लेना है। आप जितना क्वांटिटी बनाएंगे उसी हिसाब से आप लीजिए। मैंने ग्रेप्स ले रही हूँ, ग्रेप्स सीडलेस है। ग्रेप्स आपका स्वीट हो और शावर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें खट्टा मीठा तो चलते हैं चाट का अंदर। तो इसलिए आपका ग्रेप्स थोड़ा छोटा साइज का है तो काटने का ज़रूरत नहीं है, बड़ा साइज है तो थोड़ा सा काट लीजिए। और अभी मैंने टमाटो काट रही हूँ। टमाटो का अंदर का जो पल्प है ना उसको हम लोग निकाल देंगे। आप देखिए जो बहुत ही सारा सीड होती है ना, सीड को निकाल के हम लोग काटेंगे। इसको सिर्फ फ्लैश लेंगे, कवर को लेंगे। तो इसको निकाल के हम लोग जैसे चाहे आप अच्छा से इसको सेम पीसेस में काट लीजिए। तो टमाटो तो अभी आजकल मार्केट में बहुत ही फ्रेश मिलती है, बहुत ही अवेलेबल है, खाना भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे विटामिन सी है, स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा होती है। तो इसीलिए ये सब वेजिटेबल खाना कितना फ़ायदेमंद है ना, और टेस्टी करके खाएंगे तो और भी मज़ा आ जाते हैं। तो देखिए हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल हम लोग काट लिया, अभी क्यूकम्बर को काटेंगे। क्यूकम्बर हमारा बहुत ही फ्रेश एंड छोटा है, तो इसलिए मैंने इसमें स्किन नहीं निकालूंगी, इसका होल मैंने यूज़ करूंगी। तो आप चाहे तो स्किन निकाल के भी डाल सकते हैं, और मोटा खीरा है तो आपको सीड निकाल के डालना चाहिए। तो अब देखिए ऐसा हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल रेडी हो गया, उसको साइड में मैं रखती हूँ। अभी एक बोल में थोड़ा सा मैंने दही लिया, दही आप हंकट भी ले सकते हैं, मैंने दही लिया नॉर्मल। और उसमें ना करियंडा, जीरा, ब्लैक पेपर को रोस्ट, ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के डाला। ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा डाला, इसमें ब्लैक सॉल्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा डालिए। और इसमें ना चाट मसाला डाल रही हूँ, चाट मसाला आपके पास है तो डालिए, नहीं तो अमचूर पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने शुगर हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। इसको अच्छा से फैट लेना है, अच्छे से फैटने से इसको दही का जो टेक्सचर है ना वो भी अच्छा हो जाएंगे। तो अच्छा से फैटने के बाद हम लोग हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो काट के रखा है ना उसका अंदर डालेंगे। और इसमें ना फ्रूट्स वेजिटेबल में मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं डाला तो थोड़ा ब्लैक सॉल्ट डालेंगे तो टेस्ट अच्छा हो जाती है और भी चटपटा बन जाती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दिया। अभी इसमें मैंने जो दही मसाला डाल के रेडी करके रखा उसको भी अभी डाल देंगे। अभी देखिए आप इस जगह में मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो मर्जी है। मेयोनीज में बहुत सारे ऑयल रहते हैं लेकिन उतना हेल्दी नहीं है, इसलिए मैं सोचती हूँ हंकर डालेंगे तो सबसे बेस्ट है। दही में बहुत सारे विटामिन सी है एंड कैल्शियम है। और अभी देखिए मैंने थोड़ा सा ग्रीन चटनी डाल रही हूँ, मैंने ग्रीन चटनी और टमरिन चटनी डाल रही हूँ। ग्रीन चटनी मैंने पुदीना नहीं डाला, प्लस
सिर्फ कोरिएंडर लीव्स डाला, धनिया पत्ता से ही मैंने ग्रीन चटनी बनाया और देखिए लुक सो यमी ना, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी और हेल्दी भी उतना अच्छा है, खाने में भी टेस्टी है और हेल्दी तो है ही है। आपको मालूम पड़ रहा है ज्या ज्या जो जो आप लोग डाल रहे हैं ना उसके अंदर सभी कितना हेल्दी है और अवेलेबल भी है मार्केट में, ऐसा जब भी मार्केट में जाएंगे तो मिल जाते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा पोटैटो चिप्स डाल रही हूँ, आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, आप ब्रेड को फ्राई करके भी इसका ऊपर डाल सकते हैं और मैंने आलू सेब डाल रही हूँ, तो ये तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, तो सेब जरूर डालिए तब तक चाट को अच्छा असली मज़ा आ जाते हैं। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ग्रेप्स एंड करिएंडर लीव्स को धनिया पत्ता को काट के स्प्रिंकल कर दिया, तो देखिए देखने में जितना यम्मी है खाने में भी उतना ही टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा एक स्लाइस नींबू और एक स्लाइस टमाटो डाल दिया गार्निशिंग के लिए, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगते हैं ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।